तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके मनु ब्लॉग में। आज फिर से हम लोग बंगाल खाड़ आ गए हैं, जहां पे आप लोगों को कलश यात्रा का वीडियो दिखाया था। तो आज एक गोपालगंज का एक ऐतिहासिक मंदिर पर आए हैं, जहां पे इसका इतिहास ये है। गांव वालों से मालूम चला है कि जब थावे वाली माता रानी जब घोड़ाघाट जा रही थी तो उनके चरणों से धूल गिरा और गाँव वालों की सहायता से यहाँ पर मंदिर बन गया, यानी माता रानी का मंदिर बन गया। और मंदिर दिखाइए कितना अच्छा मंदिर यहाँ पे बनाया गया है कि यहाँ पे सत्यचंडी महायज्ञ हो रहा है, जिसके आसपास का सीन देखिए। और सत्यचंडी महायज्ञ का यह कार्यक्रम 2 तारीख से शुरू हुआ है, महायज्ञ का मेला लगा हुआ है। तो सारे चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे, वीडियो में बने रहें। तो चलिए चलते हैं मेला में और मेला का एक एक सीन आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, पहले भी आप लोगों को दिखा दिए हैं कि यहाँ मंदिर के बगल से ही श्री सत्यचंडी महायज्ञ का गेट बना हुआ है, जिसमें मेला के अंदर जाएंगे और पंडाल के अंदर जाएंगे। यहाँ पे देखिए पंडाल के पास सभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ जितने भी महिलाएं हैं या पुरुष हैं, यहाँ पे जो है परिक्रमा कर रहे हैं पंडाल के चारों तरफ घूमकर, और यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं। और मंदिर के आसपास के सीन आप लोगों को दिखा देते हैं। तो चलिए, तो अभी आप लोगों को जो है मेला का रौनक दिखा देते हैं, मेला का चारों तरफ का सीन दिखा देते हैं। देखिए दूर से अभी दिखा रहे हैं, बाद में पास चल के आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी आप लोगों को जो है मेला का रौनक दिखा देते हैं, मेला का चारों तरफ का सीन दिखा देते हैं। देखिए दूर से अभी दिखा रहे हैं, बाद में पास चल के आप लोगों को दिखाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो मंच बना है, यहाँ पर प्रवचन हो रहा है। आप लोग को प्रवचन देखना है तो आप और यहाँ आकर प्रवचन सुन सकते हैं, बहुत अच्छा प्रवचन हो रहा है, वो भी आप लोग को अभी दिखाएंगे। तो सबसे पहले कार्य आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे किसी को भी अगर चोट आया, कुछ तबीयत खराब हो जाता है, तो यहाँ पर जो है फ्री में इलाज होगा। तो चलिए डॉक्टर साहब से कुछ बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ मेला लगा है और यहाँ पर जानते हैं, पहले भी आप लोगों को वीडियो कलश यात्रा का वीडियो में आप लोगों को पूरा जानकारी यहाँ के बारे में दे दिए हैं। अभी मेला का मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और यहाँ आप लोगों को बता दें कि जो भी यहाँ मेला लगा है, अगर इसमें किसी को भी कुछ होता है तो यहाँ फ्री में इलाज होगा। इसके लिए डॉक्टर साहब बैठे हैं और यहाँ पर कमेटी के जैसे एक बना हुआ है, यहाँ पर किसी को भी कुछ होता है तो यहाँ पर फ्री में इलाज देंगे। तो चलिए डॉक्टर साहब से जानते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार, आपका चैनल का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस हमारे यज्ञ के आप पूरा इंडिया में प्रसारित कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, पूछिए। और यहाँ पे जो है ये सत्यचंडी महायज्ञ हमारे गांव, हमारे सभी जिलावासी मिलके और इस महायज्ञ को कर रहे हैं। और आप तो देख ही रहे हैं, 2 साल से कोविड के दौर चल रहा था, इसमें ना कोई पूजा ना पाठ ना कोई शादी ना विवाह, लेकिन अब जो है लॉकडाउन से हम लोग मुक्ति पाए हैं। और बहुत अच्छा है कि श्री महाचंडी यज्ञ हमारे गांव में हो रहा है और ये बंगाल खाड़ में है। यहाँ पे मेरा क्लिनिक है कैथोलियम मोड़ पे और मेरा नाम डॉक्टर चंदन कुमार है। तो कमेटी के लोग यही कह रहे थे कि डॉक्टर साहब यहाँ पर आप बैठिए और अपना शिविर लगाइए। तो हमारे तरफ से जितना भी यहाँ पे श्रद्धालु और भक्त आए हुए हैं, 2 दिन हो गया और 4 दिन चलेगा, तो हमारे तरफ से बिल्कुल मुफ्त है। अगर किसी भी भक्तों को कुछ होता है तो फर्स्ट ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है और ये सब सारा सर्विस चल रहा है। जी जी, देखिए कितना बढ़िया कार्य है इनका। और डॉक्टर साहब अभी तक रहेंगे, जब तक ये मेला रहेगा जब तक इनका फ्री सेवा रहेगा। ये नहीं कि आज तक है कल से नहीं है, मेला जब तक है अगर किसी को भी कुछ होता है तो यहाँ फ्री में इलाज होगा, फ्री में दवाई मिलेगा। तो चलिए और कुछ भी मेला का दिखाते हैं, आसपास के सीन आप लोगों को दिखाते हैं। तो वीडियो में बने रहें और आप लोगों को दिखा देते हैं, जो भी परचून का सामान चाहिए आप लोगों को यहाँ इस मेला में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस मेला में आएंगे तो आपको चूड़ी वगैरह जो भी लेना है यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए 110 रुपये का ये चूड़ी सारे लगा हुआ है एक साइड से,
और इसका रेट भैया ये मंगलसूत्र है, इसका रेट क्या है? 120 रुपये में आप लोगों को यहाँ पे मंगलसूत्र मिल जाएगा। बाकी इसका रेट क्या है? ये भी 120 रुपये, ये 140 रुपये। देखिए ये सारे चीज़ आप लोगों को 120 रुपये का मिल जाएगा और ये 140 रुपये का मिलेगा। बाकी ये वाला भैया कितने का है? ये 40 का है, ये 50 का है। ये 40 रुपये का सारे चूड़ी मिल जाएगा आपको, ये 50 रुपये में मिल जाएगा और ये भी चूड़ी 120 रुपये का आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे जब भी मेला में आए तो ठीक सामने मंदिर के ठीक पीछे सामने आप भैया का दुकान है, देख लीजिए इनको और यहाँ से आगे आप लोग चूड़ी वगैरह सारे ले लीजिएगा। बाकी आप लोग को चीज़ दिखा देते हैं मेला में, जो भी यहाँ पे आया हुआ सारे चीज़ दिखाएंगे बारी बारी में, वीडियो में बने रहे। देखिए परचून का सामान यहाँ पे है और यहाँ भी चूड़ी लगा हुआ है, सारे चूड़ी है देख लीजिए। और यहाँ पर गिफ्ट है और आप लोग को यहाँ पे गिफ्ट मिल जाएगा। देखिए ये 20 रुपये का है, ये भी 20 रुपये के सारे, एक किसी को भी एक ले लेंगे 20 रुपये का और ये वाला 30 रुपये का बनेगा। और यहाँ पे छोटा दुकानदार बैठे हुए हैं, इनसे आगे ले सकते हैं आप लोग। बाकी परचून का सामान है यहाँ पे, देखिए गुड्डा है। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पे गुड्डा मिल जाएगा ये 30 रुपये का और ये 60 रुपये का, ये भी 60 रुपये का, ये 180 का। कुछ कम करेंगे कि नहीं? होगा, डिस्काउंट भी मिल जाएगा आप लोग को, यहाँ पे आकर ले सकते हैं। और यहाँ पे परचून का सामान आप लोगों को मिल जाएगा, देखिए बच्चों को खेलने के लिए जो भी चाहिए आप लोगों को मिल जाएगा। परचून का बहुत सारे दुकान यहाँ पे आया हुआ है, कोच भी ले सकते हैं। और दोस्तों आपको बॉल चाहिए तो देखिए यहाँ पे 40 रुपये का बड़ा वाला मिल जाएगा, छोटा 20 रुपये का मिल जाएगा। देखिए बहुत सारा यहाँ पे दुकान लगा है, मात्र 10 रुपये में, 10 रुपये में, 10 रुपये में बैडमिंटन 10 रुपये में, बैट और बॉल 10 रुपये में। कोई भी सामान आपको दे रहे हैं मात्र 10 रुपये में, 10 रुपये में, 10 रुपये, 10 रुपये में साबुनदाने 10 रुपये। तो दोस्तों आप लोग को पहले दिखा दे 10 रुपये वाला सेल, अब यहाँ पे 200 रुपये का सेल लगा है। कोई भी पर्स ले लीजिए, 200 रुपये का मिलेगा आप लोग को, चाहे जो भी लीजिए। देखिए यहाँ पे कितना सारा पर्स लगा हुआ है, 200 रुपये का आप लोगों को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए जो भी सामान लेना हो आपको 50 रुपये में मिल जाएगा, कोई भी सामान लीजिए 50 रुपये का मिल जाएगा। पूरा दुकान आप लोगों को दिखा देते हैं, जो भी सामान लेंगे 50 रुपये का। और यहाँ देखिए 15 रुपये का है, कोई भी सामान लीजिएगा आप 15 रुपये का आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए इसमें 10 रुपये का भी सामान है। और दोस्तों बच्चों का खेलने के लिए बहुत सारा यहाँ पे दुकान आया हुआ है, परचून का सामान आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। कोई भी चीज़ चाहिए आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ की, क्योंकि बहुत बहुत दूर से यहाँ पे दुकान आया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे देखिए बड़ा वाला झूला भी आया हुआ है, आप लोग देख लीजिए और आना हो तो आ जाइए, क्योंकि बड़ा वाला झूला यहाँ पे चालू हो चुका है। और बहुत 30 रुपये किराया है इसका, 30 रुपये का टिकट है, आप लोग 30 रुपये का टिकट लेकर और बड़े वाले झूले पर बैठकर मज़े ले सकते हैं। और ये जो भी हैं कमेटी के लोग हैं और यहाँ जो भी मेला में देखभाल करते हैं कि कोई इधर उधर से ना कर दे कोई, मतलब बहुत सारे मेला में सावधानियाँ भी रखना ज़रूरी होता है। और एक जुआ है, ये रिंग फेंका जाता है और यहाँ पर देखिए रिंग लोग फेंक रहे हैं चारों तरफ से, जो भी रिंग के अंदर पैसा आ गया वो उनका हो जाएगा, नहीं आएगा तो अपना भी 10 रुपये खो के जाएंगे। अभी तक तो किसी का नहीं पड़ा है, आ गया तो सही, नहीं तो गया तो अपना ही गया। और यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोगों को बड़े वाला झूला एक बार और दिखा देते हैं। 30 रुपये टिकट है, 30 रुपये देकर आप झूला पे बैठ सकते हैं। देखिए और यहाँ पे देखिए बंदूक रखा है और निशाने के लिए गुब्बारा भी लगाया गया है। और यहाँ पे देखिए ब्रेक डांस आया हुआ है जो इसका 30 रुपये रेट है। और अभिषेक भैया यहाँ पे आए हुए हैं ब्रेक डांस में बैठ कर उतर रहे हैं, देख लीजिए देख लीजिए अभिषेक भैया जो है निकल रहे हैं ब्रेक डांस से। अरे एक मिनट आप झूला पे बैठे थे ना। तो दोस्तों आज फिर से अभिषेक भैया मिल गए हैं यही मेला में, और मेला में जो है ब्रेक डांस पे बैठे थे, कैसा लगा अभिषेक भैया? बहुत बढ़िया लगा। देखिए दो सालों तक तो कोरोना काल में कहीं मेला वगैरह नहीं मिला था, कहीं आदमी घूमने नहीं गया, कोरोना काल बाद काफ़ी दिनों बाद तो आदमी निकल रहा है, घूम रहा है, बच्चों को लेके आए थे झूला झूलाने, हम भी इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगा। गाँव में मेला लगा है काफ़ी दिनों बाद, अच्छा लग रहा है जी। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा माहौल बना है यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि हर तरह से लोग आए हुए हैं, फैमिली काफ़ी इंजॉय कर रहा है लोग, उधर जिसको बच्चे लोगों को मन लग रहा है इधर झूला वगैरह में तो झूला वगैरह झूल रहा है लोग, और बाकी उधर सत्संग भी चल रहा है। तो एक यज्ञ होता है ना, तो हर बच्चों के लिए भी खुशी लेके आता है, बड़े लोग के लिए भी खुशी लेके आता है। अभी 7 दिन तक, 2 दिन बिताए, अभी 5 दिन तक यज्ञ चलने वाला है, जो लोग भी देख रहे हैं उनको आकर के यहाँ पर घूमना चाहिए।
एक शांति का माहौल है, एक आत्मीय शांति मिलता है, आप लोग भी आना चाहिए। तो अभिषेक भैया हमारे चैनल के लिए आज कुछ बोलिए। देखिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप, तो उस दिन सुबह सुबह कलश यात्रा में भी आप मिले, आज रात में यहाँ भी पहुँचे हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि जो भी देख रहे हैं शेयर करें, आपको सपोर्ट करें, जैसे हम लोगों को सपोर्ट करता है लोग, वैसे आपको भी सपोर्ट करें, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लगातार ब्लॉग आप शूट करके दिखा रहे हैं जी। तो बहुत बढ़िया लगा अभिषेक भैया से बात करके। और यहाँ पे देखिए ट्रेन वाला झूला आया हुआ है, इसका भी टिकट जो है 30 रुपये का है, 30 रुपये देकर और ट्रेन वाले झूले में आप बैठकर मजे ले सकते हैं। तो कभी भी आइए, मेला अभी 5 दिन तक है, 5 दिन अभी 2 दिन हुआ है। और यहाँ पे देखिए बच्चों का खेलने वाला झूला है, जो कूदते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 10 रुपये इसका टिकट है, 10 रुपये देकर अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ दीजिए, बच्चे थोड़ा देर खेलेंगे उसके बाद उतार लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे नाव वाला भी झूला आया, इसका भी टिकट 30 रुपये है, 30 रुपये देकर झूले पे बैठ सकते हैं, नाव वाले का मज़ा ले सकते हैं। तो अभी मेला जो है 5 दिन रहेगा, 5 दिन में कभी भी आकर इस झूले पे बैठ जाइएगा, देखिए। और यहाँ पे देखिए सोडा शॉप आया हुआ है, जो बड़े वाला गिलास 10 रुपये का है, छोटा वाला गिलास 5 रुपये का है। और यहाँ पे गोलगप्पा खाना होता है, आप यहाँ पे आकर खा सकते हैं। और यहाँ देखिए पेप्सी वगैरह सारे चीज़ आया हुआ है। और यहाँ पे देखिए जो भी खाने वाला चीज़ है सारे लग चुका है यहाँ पे। और ये छोटा भाई है जो बोल रहे हैं कि हमारा भी वीडियो ले लेते हैं, इनको दिखा दे रहा हूँ भाई, इनको थोड़ा पहचान लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ गर्मा गर्म जलेबी निकल रहा है, जल्दी जल्दी आ जाइए, अभी मेला 5 दिन है, कभी भी आकर खा सकते हैं, मुश्किल नहीं है। देखिए सारे जलेबी बनाकर रखा गया है, और चाट वगैरह चाउमीन खाना है तो आप लोग खा सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों जो भी यार दोस्त हैं यहाँ पर मिल गए हैं, देखिए इन लोगों का भी वीडियो आप लोग को डाल देते हैं, ये छोटे भाई के समान है। सभी लोगों को सपोर्ट करिए, अपने अपने गांव के होंगे तो पहचान लीजिएगा, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करा दीजिएगा। और ये सब आदमी को आप लोग देख रहे हैं, ये मंच पे प्रवचन हो रहा है, देख लीजिए। प्रवचन सुनना हो तो आप यहाँ पे आकर प्रवचन सुन सकते हैं, क्योंकि अभी माला का 2 दिन हुआ है, यहाँ मेला 5 दिन रहेगा, 5 दिन में कभी भी आप आकर और शाम रामलीला प्रवचन देखना हो तो आप लोग यहाँ पे आकर देख सकते हैं। प्रवचन सुनना है तो बाबा के माध्यम से प्रवचन आप लोग होगा, कल भी होगा, रोज होगा, आप लोग आके यहाँ पे सुन सकते हैं। देखिए रखा है यहाँ पे, जो भी दान देना देकर और यहाँ से प्रसाद लेकर जा सकते हैं आप लोग। बहुत बढ़िया आप सब। और देखिए गर्मा गर्म भैया जो जलेबी बना रहे हैं आके आप लोग खा सकते हैं, एकदम रोड पे हैं, कभी भी आइए इनसे जलेबी ले लीजिए। हम सबके हृदय में बसने वाले श्री राम जी के जीवन चरित्र को हम सदृश देखें। अयोध्या के बड़े ही मशहूर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले को मिल जाएगा सारे खाने वाला चीज है, जो भी खाकर खा सकते हैं आप लोग। यहाँ पे दोस्तों दान पेटी रखा है, जो भी आपको दान देना है यहाँ पे दे सकते हैं, और यहाँ से प्रसाद लेकर आप अपने घर जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भंडारा खिलाया जा रहा है, उतने दिन तक मेला रहेगा उतने दिन तक यहाँ पे खाना खिलाया जाएगा, तो कभी भी आप लोग को भूख लगा हो तो यहाँ पे आके प्रसाद समझ के खा लीजिए, मगर खा के ही जाइएगा। ये सभी जो है मंदिर के संयोजक हैं, जो भी कमेटी हैं, सभी मंदिर का देखभाल करना इन्हीं लोगों का हाथ में है।
तो दोस्तों सारे मेला आप लोगों को दिखा दिए हैं, जो भी इस मेला में आया वो सारे आप लोगों को दिखा दिए हैं और मंदिर भी आप लोगों को दिखा देते हैं। बैक साइड में मंदिर है तो आप चलते हैं और वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों, तो सपोर्ट आप लोगों के हाथ में है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।